अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहदेव और आप देख रहे हैं ज़ेबी टेक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक आपके मोबाइल फ़ोन्स के रिलेटेड है। तो अगर आपने ये वीडियो ध्यान से नहीं देखी तो हो सकता है कि आपका मोबाइल 20 अक्टूबर को काम करना छोड़ दे। काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये मैसेजेस आ रहे हैं 8484 से कि अगर आपका मोबाइल IMEI कंप्लाइंट नहीं है तो आपका मोबाइल 20 अक्टूबर को बंद कर दिया जाएगा। तो आखिर ये सारा सीन क्या है और आपका मोबाइल क्यों बंद कर दिया जाएगा, तो इस पूरी वीडियो में आज यही बात होगी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि IMEI नंबर होता क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन है DSMA के नाम से। दुनिया में जितने ही मोबाइल फ़ोन आ रहे होते हैं उनके अंदर IMEI नंबर होता है और वो IMEI नंबर DSMA वाले देते हैं और हर मोबाइल का IMEI नंबर दूसरे मोबाइल से डिफरेंट होता है। तो अगर IMEI नंबर अगर ओरिजिनल होगा तो वो GSMA के पास भी होगा, अगर IMEI नंबर फेक होगा तो वो GSMA कंप्लाइंट नहीं होगा। अगर आपके मोबाइल में एक सिम डलती है तो उसका एक IMEI नंबर होगा और अगर डुअल सिम है तो उसके अंदर दो IMEI नंबर होंगे। और ये IMEI नंबर काफ़ी यूनिक होता है, लेकिन मसला यहाँ पे ये आता है कि लोग एक IMEI नंबर को मल्टीपल फोन्स के ऊपर डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब अगर एक IMEI नंबर 5 मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर है तो जब उसको ट्रैक करने लगेंगे तो वो 5 लोकेशंस दे रहा होगा, तो जो कोई भी एजेंसी या गवर्नमेंट किसी क्राइम को रोकने वाली होगी तो उनके लिए काफ़ी ही मुश्किल हो जाएगा कि एग्जैक्ट लोकेशन उसकी मालूम कर सके। यही वजह है कि जितने भी टेररिस्ट होते हैं या जो बुरे लोग होते हैं वो फेक IMEI वाले मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। तो आपने ये कैसे चेक करना है कि आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक है यानी कि वो IMEI कंप्लाइंट है, तो इसके लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 3 तरीके निकाले हैं। एक तो वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और दूसरा है एप्लीकेशन, और तीसरा है SMS सर्विस। यानी कि आपको 8484 पे अपना IMEI नंबर मैसेज करना है तो आपको वो बता देंगे कि आपका मोबाइल जो है IMEI कंप्लाइंट है, नॉन कंप्लाइंट है, चोरी का है, फेक है या वैलिड है। तो आपको जो जैसा आपका मोबाइल होगा उसके मुताबिक रिप्लाई आ जाएगा। अब जो आपके मोबाइल के IMEI नंबर है तो उसको मालूम करना काफ़ी सिंपल है। आपने अपने डायलर पैड पे जाना है और वहाँ *#06# लिखना है तो आपके सामने IMEI नंबर आ जाएंगे, तो वो आपने वेबसाइट, ऐप या SMS कर देने हैं तो आपके पास आ जाएंगे। अपने मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर डालने के बाद आपको 4 रिप्लाई आ सकते हैं। नंबर 1 पर रिप्लाई आपको ये आ सकता है कि आपका IMEI कंप्लाइंट है, यानी कि आपका जो IMEI नंबर है वो GSMA से भी अप्रूव्ड है और PTA से भी अप्रूव्ड है, तो आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको जो रिप्लाई आ सकता है वो है योर IMEI इज़ वैलिड। इसका मतलब ये है कि आपका जो IMEI नंबर है वो ओरिजिनल है, फेक नहीं है, लेकिन वो जो PTA से अप्रूव नहीं है। नॉर्मली जो आईफोन्स होते हैं और सैमसंग के बगैर वारंटी के फ़ोन आते हैं उनके साथ यही मसला होता है, वो PTA से अप्रूव नहीं होते। लेकिन आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो जितने भी अगर आपका मैसेज आता है कि योर IMEI इज़ वैलिड, तो 20 अक्टूबर के बाद जो गवर्नमेंट है वो ऑटोमेटिकली आपके IMEI नंबर को कंप्लेंट लिस्ट में डाल देगी और आपका मोबाइल बिल्कुल ओके चलेगा। अब तीसरे नंबर पे आपको जो रिप्लाई आ सकता है वो है योर IMEI इज़ नॉन कंप्लाइंट, यानी कि आपका मोबाइल के अंदर जो IMEI नंबर है या तो वो फेक है या फिर उसके अंदर जो IMEI नंबर डाला हुआ है वो किसी 2 नंबर तरीके से डाला हुआ है। अब यहाँ पे आपको मोबाइल को थोड़ा मसला हो सकता है। नॉर्मली जो किट मोबाइल होते हैं जो कि काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं और जो कुछ चाइनीज़ ब्रांड्स हैं उनके अंदर ये काफ़ी मसला आता है। अब इसका सलूशन ये है कि जो सिम आपके मोबाइल फ़ोन में डली हुई होगी तो 20 अक्टूबर के बाद वो सिम आपके IMEI नंबर के साथ मैच कर दी जाएगी और आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर और कोई सिम नहीं चल सकेगी। अगर आपको ये अप्लाई आता है तो आपने ये करना है कि जो सिम आप मुकम्मल तौर पर पूरी लाइफ यूज़ करना चाहते हैं तो वही सिम आप अपने मोबाइल फ़ोन पर डाल दें, क्योंकि उसके बाद उसके अंदर कोई भी सिम नहीं डल सकेगी। तो जो आपने सिम यूज़ करनी है तो वो उसके अंदर डाल दें। चौथे नंबर पर जो आपको रिप्लाई आ सकता है वो ये है कि योर IMEI नंबर इज़ ब्लॉक्ड। इसका मतलब ये है कि जो आपका मोबाइल फ़ोन है या तो वो चोरी का है या फिर वो जो आपका मोबाइल है उसको पुलिस के अंदर रिपोर्ट किया गया है। तो अगर आपका ऐसा सीन बनता है तो रिप्लाई अगर ये वाला आता है तो 20 अक्टूबर के बाद आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक चले 20 अक्टूबर के बाद, तो आपको पुलिस के अंदर जाके ये चीज़ प्रूव करनी होगी कि ये आपका मोबाइल है, तो जो केस उस मोबाइल के ऊपर होगा तो वो भी आपके ऊपर सर पे आ जाएगा। तो ये 3 आपको मैंने तरीके बताए हैं, तो आप यहाँ पे अपना IMEI नंबर डाल कर चेक कर सकते हैं। तो अगर कोई भी मसला हो तो नीचे कमेंट्स करें। अब तक के लिए इतना ही। दिस इज शाहदेव साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।